बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन टेल्स 2021। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आउट क्लास और बहुत ही फैबुलस किस्म के फैंसी ब्राइडल क्लच डिज़ाइन। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। बहुत ही अट्रैक्टिव किस्म के क्लच डिज़ाइन हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्टोन वर्क के साथ, मुख्तलिफ किस्म की एम्ब्रॉयडरी के साथ बहुत ही स्टाइलिश किस्म के डिज़ाइन तैयार किए गए हैं। मल्टी कलर्स में भी आपको नज़र आएंगे, सिंगल कलर में भी नज़र आएंगे, डबल कलर में भी नज़र आएंगे। बहुत ही फैबुलस किस्म के डिज़ाइन हैं ये, देखिए मल्टी कलर्स में ब्यूटीफुल, आउटस्टैंडिंग, बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन है। ये ब्राइडल क्लच डिज़ाइन है, आप किसी भी फंक्शन में या किसी भी पार्टी में इस तरह के फैंसी ड्रेसेस के साथ आप इनको यूज़ कर सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत किस्म के क्लच डिज़ाइन है ये, देखिए मुख्तलिफ किस्म के स्टोन वर्क के साथ, पर्ल्स की मोतियों के साथ बहुत ही स्टाइलिश लुक में इनको तैयार किया गया है। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी ओकेजन हो, आप इनको अपने ड्रेसेस के साथ यूज़ कर सकती हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल किस्म के क्लच डिज़ाइन हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये कलेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। ये देखिए मुख्तलिफ किस्म का स्टोन वर्क है, बिग स्टोन, स्मॉल स्टोन्स, ये देखें हैंड एम्ब्रॉयडरी भी आपको नज़र आएगी। आप देखेंगे मुख्तलिफ किस्म के आपको वेलवेट में नज़र आ रही हैं क्लच डिज़ाइन। आप अपने ड्रेसेस के साथ या कोई भी लहंगा हो या कोई भी फैंसी ड्रेस हो आप उसके साथ तैयार करवा सकते हैं। बहुत ही आउट क्लास किस्म के डिज़ाइन हैं। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमें अपनी दुआओं में याद